बता दें हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के मैदानी इलाके जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिले शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई हिस्सों में आगामी चार दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। 2 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होने की संभावना भी जताई है। सैलानियों और स्थानीय लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। ये अपील की गई है कि जो सैलानी या जो स्थानीय लोग हैं वो नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, बेवजह बाहर ना जाएं। येलो अलर्ट जारी किया गया है, संभावना लैंडस्लाइड की जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है हिमाचल के निचले इलाकों में। इसके अलावा जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बना हुआ है। 31 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 2 सितंबर तक कहा जा रहा है कि मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा प्रदेश में। संदीप मेरे साथ मनाली से जुड़े हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से 31 तारीख तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, और क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग का? अंजलि, देखिए पिछला हफ्ता जो है वो मॉनसून इतना सक्रिय हिमाचल प्रदेश में नहीं था, लेकिन इस बार जो है पिछले कल मौसम विभाग की तरफ से फॉरकास्ट जारी किया गया है कि अगले 3 दिनों तक यानी आज से अगले और 2 दिनों तक जो है वो मौसम जो है वो खराब रह सकता है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 ऐसे जिला है जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि मनाली की अगर मैं बात करूँ तो पिछले कल रात भर जो है यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहा, और इसी तरीके की जो बारिश है वो दूसरे इलाकों में भी, दूसरे जिला में भी जो है वो देखी गई है। लेकिन अभी जो है वो मौसम साफ होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसी तरीके का मिला जुला असर जो है अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। हालांकि मौसम के इस अलर्ट को देखते हुए जो है वो तमाम जिला प्रशासन को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो है इसके लिए जो है वो प्लानिंग करके रखे। अगर तेज बारिश होती है तो कई ऐसी जगह है जहां पर लैंडस्लाइड जो है वो सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे नंबर 21 की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। मंडी के पास जो है 7 मील के पास जो है वो भूस्खलन के बाद जो है सड़क अभी भी रिस्टोर नहीं हो पाई है। और इसी तरीके से जो है वो किन्नौर हो या लाहौल स्पीति हो, लगातार प्रशासन की तरफ से जो है वो एडवाइजरी जारी की जा रही है कि तमाम जो यात्री हैं जो इन इलाकों में ट्रैवल करना चाहते हैं या टूरिस्ट हैं जो इन इलाकों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मौसम के फोरकास्ट को जरूर ध्यान में रखें और तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के बाद ही ट्रैवल प्लान करें। और साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि ऐसी लोकेशंस ना चूज कर बैठें जहां पर लगातार जो है फ्लैश फ्लड सबसे बड़ी परेशानी बनता है। तो इन बातों का ख्याल जो है उन लोगों को करना होगा जो लोग इन 2 से 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जो कि इस मौसम के फोरकास्ट को जो है उन्हें ध्यान में रखना होगा, नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। घरों से बाहर निकलने से पहले एक बार जरूर मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान है उसकी तरफ लोग गौर करें। अपनी जान सबसे पहले है, सुरक्षित रखें खुद को, घरों से बाहर स्थानीय लोग भी ना निकलें, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। आपका शुक्रिया संदीप इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।